प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां बुधवार को मध्य प्रदेश पहुंची थी। यहां की 10 नदियों में अस्थि विसर्जन किया गया। इस दौरान ग्वालियर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शिवराज सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अटल के परिजन भी आमंत्रित किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनके परिजनों की सुध किसी सरकारी अधिकारी ने नहीं ली और कथित रूप से उन लोगों को ऑटो में घर जाना पड़ा। इससे यही साबित होता है कि अटल जी की मृत्यु को चुनावी प्रचार बनाने वाली बीजेपी अटल जी को भी बहुत जल्दी भूल जाएगी। यह सब ढकोसला केवल चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, जैसे इंदिरा गांधी। दरअसल इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें अटल जी की भतीजी और परिवार के अन्य सदस्य ऑटो रिक्शा खोजते नजर आ रहे हैं। अटल जी की भतीजी कांति तिवारी, उनके पति ओपी मिश्रा और बेटी कविता तिवारी अटल कलश यात्रा कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए थे। कार्यक्रम खत्म होते ही आयोजक उन्हें भूल गए। किसी को भी उन्हें घर भेजने की सुध नहीं रही। आखिर तीनों सड़क पर आए, यहाँ से ऑटो किया और उसमें बैठकर निकल गए। SPN न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।